शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वो लड़की कहाँ है? मैंने पूछा वो लड़की कहाँ है? आज इसकी खाल उतरेगी। प्लीज हमें जान दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। प्लीज छोड़िए हमें। कील कितनी भी नुकीली हो, हथौड़े से नहीं जीता करती है। तेरी हिम्मत ये कोठा नहीं तोड़ेगा, कोठे की माँ तोड़ेगी। और भूख इस कोठे की माँ है। देखते हैं, हमसे तो लड़ ली, भूख से कैसे लड़ती है। खेरा जग्गा, बंद कर दो इसको। नहीं प्लीज, प्लीज छोड़ दीजिए हमें। प्लीज नहीं। नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी। मैंने बहुत कोशिश की। तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनाथ हूँ जीजी, मेरे मम्मी पापा भी मर गए, इसीलिए मामा मम्मी ने इस कोठे पे भेज दिया। नाम क्या है तुम्हारा? तारा। चुपचाप खा ले तारा, हम जानते तूने कुछ नहीं खाया, भूखी है, तू खा। तुमने हमें चीची कहा है ना, तुम्हारी चीची तुम्हें कभी आज नहीं आने देगी। हम तुमसे वादा करते हैं तारा, हम तुम्हें इस नर्क से निकाल कर ही रहेंगे। सितारा
जल्दी जल्दी आ जाओ, सब लोग प्रसाद तैयार है, आलू की सब्जी, खीर, पूरी। खाने में क्या बना है? वाह, आलू की सब्जी, पूरी, रसमलाई। थैंक यू कान्हा जी, आपके बर्थडे पे हमें क्या खाना खाने को मिलता है। आज ना हम केवल आठ ही पूरी खाएंगे, वो क्या है ना, हम वेट लूज कर रहे हैं, उम्र थोड़ी दूर रहती है। अब जरूर, तुमको तो पता ही है कि हमको सजने संवरने का शौक तो है नहीं, लेकिन अम्मा जी से कोई ये ना कह दे कि हाय कौशल्या, तुम्हारी छोटी बहू माधुरी कितनी मोटी लग रही है। वैसे मम्मी, आप 8 या 15 पूरियां खाइए, हाँ। वो क्या ना, आपके लिए वो कैलोरी डेफिसिट ही रहेगा। हाँ। गर्मा गर्म पूरियां, भाभी भाभी पहले मेरे पास लो। मम्मी आपकी पूरियां आ गई। रुको, पहले पूरी दामाद जी को, फिर राकेश को और फिर ध्रुव को दो, उसके बाद जो पूरी बचेगी पुष्पा को देना। जी दादी, पर दादी मेरा नंबर सबसे बाद में क्यों? क्योंकि हमारे घर में लड़कियों का नंबर लड़कों के बाद आता है। रेखा, हाँ? तुम भी बैठ जाओ। नहीं, मैं कर लूंगी, पर बैठो बैठो। विक्रम और किरण भी आने ही वाले होंगे, उनकी भी थाली लगा देती हूँ। उर्वशी, मौत की नींद सो गए। कौन हो तुम? काशी भाई ने बुलाया। काहे बुलाया है? वो कहा है ना, काशी भाई अपने कोठे से बहुत ज्यादा दुखी है, कह रही थी कि उन्हें ये कोठा हीरो की विधवा माँ जैसा लगता है, उन्हें इस कोठे को एकदम हीरोइन बनाना है बस। अब आप खुद देख लीजिए, जोनो कुर्सी पे आप बैठे हैं वो यहाँ रखी जाती है क्या? अरे ऐसा लग रहा है आप ड्यूटी पे नहीं धरना लेके बैठे, इको यहाँ नहीं यहाँ रख दीजिए। वाह, सुंदर लैंप है, ये लैंप तो इस जगह का चेयरमैन हुआ, ये यहाँ क्या कर रहा है? खड़े हो जाइए इस टेबल के ऊपर लैंप के साथ। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया लग रहा है, वो भी और आप भी। अब आप इधर स्टैचू बंद कर रही है, हम बाकी का कोठा सजा के आते हैं। अरे तितली भाग रही है, पकड़ो इसे। यहाँ कैसे आ गई डायन? डायन, अपने हाथों से अपने बच्चों को, अपनी सास को, अपने पूरे परिवार को जहर देकर मारो तुम, और डायन मैं? जहर? तुमने मेरे परिवार वालों को जहर दे दिया? इन्हें जहर तूने दिया है, आज तो सिर्फ लाशें गिरी है, मर तो ये उसी दिन गए थे जिस दिन तू मेरे खिलाफ गई थी। तुझे तेरे सिंदूर पे भरोसा था, पतिव्रता होने पे गुरूर था ना, मैंने तुझे और तेरे गुरूर दोनों को तोड़ दिया है।
तुझे क्या लगा था तुझे मुझसे छुटकारा मिल गया? ऐसा कभी नहीं होता। डायन कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ती मेरी प्यारी उर्वी। तुझे मुझसे शिकायत है ना कि मैंने तुझसे तेरा सिंदूर चुरा लिया है? अब कुछ चुराया है तो कुछ देके भी जा रही हूँ। पति लिया है तो मरा हुआ परिवार देके जा रही हूँ। तेरे कर्मों का फल इन्हें मिला और अब तेरे बेटे विक्रम की बारी है। Ha 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 ha